नमस्कार, गीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले की मसाले वाली सब्जी। आइए हम करेला को कट कर लेते हैं। देखिए 250 ग्राम हमने करेला ली है, इसको हम कट कर लें। देखिए ऐसे करके, ऐसे देखिए ऐसे हम सारे करेला को काट लिए हैं। अब हम इसको सब्जी बनाएंगे। देखिए ऐसे हम इसको कट कर लिए हैं। देखिए करेले को हमने धुल लिया है साफ से। और देखिए जितना हम करेला 250 ग्राम ली थी उतना ही 250 ग्राम प्याज। आइए गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई को गर्म करते हैं। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। ये सब्जी करेले वाली जो सब्जी रहता है वो मस्टर्ड ऑयल में अच्छा लगता है, और ये मतलब इसमें तेल का मात्रा थोड़ा रहता है ज्यादा। देखिए अब तेल मेरा गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे नमक पहले, क्योंकि तेल तड़कता है। एक चम्मच में नमक डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन मिर्चा ऐसे बारीक कटा हुआ। अब देखिए तड़क नहीं रहा है। देखिए लहसुन मिर्चा की तड़का जो है मेरा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम ऐसे इसको डाल देंगे। देखिए अब इसको हम ऐसे मतलब भौंक दिए हैं, तेल में डाल दिए। अब इसको हम कम से कम आधा घंटा तक इसको धीमे फ्लेम पर करके धीमा धीमा ऐसे अलटते पलटते इसको भुनेंगे, फिर आगे को तो हम बताएंगे। देखिए अब करेला मेरा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम सारे मसाले जो भी डालना है उसको डालते हैं, बताते हैं आप लोग को। देखिए हम मसाला ये डाल रहे हैं कि जो कलौजी में पड़ता है अचार में, जैसे कि सौंफ, धनिया, मंगरेल, मेथी, जवाइन, ये सब हमने धुल कर और भून कर पीस ली है। जो अगले वीडियो में बता रही थी मसाला यही है। देखिए एक चम्मच हम इसको डालेंगे, हम बना कर रख लेते हैं बड़े वाले चम्मच से। एक चम्मच मतलब कि छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच इसमें डालना है। और इसमें हम डालेंगे नमक, को हम डाल लिए हैं। और इसमें हम डालेंगे देखिए 1 चम्मच चीनी। और हम डालेंगे इसमें इमली का, जो खट्टी मीठी इमली का केचप है, ये मेरे पास इमली नहीं है ना, इसीलिए हम केचप डाल दे रहे हैं इमली का। अब इसको हम धीमे आंच में कमती में 10 मिनट और भुनेंगे, फिर ये सब्जी के बारे में बताएंगे। देखिए सब्जी मेरा अब बन गया है। देखिए सब्जी ऐसा रहता है, पहली बार तो ये खट्टा मीठा कड़वा तीनों सब्जी। खट्टा मीठा आप लोग सुने होंगे मगर कड़वा नहीं सुने होंगे, खट्टी मीठी कड़वी सब्जी। इसमें चीनी पड़ गया है, इमली पड़ गया है, ये ट्रेवलिंग करते समय ले जाने लायक रहता है। इसलिए कि जैसे कहीं जाओ तो मतलब कहीं वेज नहीं मिलता है खाना, जैसे कि मेरे नेपाल भुटवल वहाँ नहीं मिलता खाना वेज, ज़्यादा करके नॉन वेज मिलता है, तो ये सब ले जा सकते हैं। आइए सर्व करते हैं। देखिए सब्जी मेरा बनके रेडी हो गया है। देखिए 250 ग्राम था इसीलिए थोड़ा है, आप चाहें तो और बनाएं और खाएं। 2-3 दिन तो ये सब्जी चली जाता है ले जाने में, पूड़ी के साथ रख लें या पराठा के साथ, तो 3 दिन तो आराम से चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि उसमें पानी पड़ा नहीं है और तेल की मात्रा भी ज़्यादा है, चीनी पड़ गया है, तो इसलिए ये परफेक्ट रह जाता है, मतलब परफेक्ट रहता है ले जाने में। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।